बजाज चेतक और इलेक्ट्रिक स्कूटरों की छुट्टी करने के लिए लॉन्च हो रहा है 120 किलोमीटर तक का जबरदस्त माइलेज देने वाला भारत का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हाँ दोस्तों, टीवीएस इलेक्ट्रिक आने वाले बहुत ही कम समय में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर क्रियोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही टीवीएस क्रियोन को भारतीय सड़कों पर देखा जा सकता है। मॉडल की बात करें तो यह स्कूटर टेस्टिंग में बहुत अमेजिंग लुक का होगा। आपको बता दें, जब भी टीवीएस मोटर्स अपने नए मोटर बनाता है तो कंपनी युवाओं की पसंद को ध्यान रखते व्हीकल डिजाइन करती है। यही खास बात है टीवीएस मोटर की। कई सारे टू व्हीलर स्टाइल्स के चलते युवाओं को लुभा रहे हैं और अब स्टाइलिश लुक और जबरदस्त माइलेज के साथ कंपनी क्रियोन को लॉन्च करने वाली है। टीवीएस का यह स्कूटर काफी खूबसूरत होने वाला है। टीवीएस क्रियोन में मिलने वाले बैटरी के बारे में हम बात करें तो कंपनी 12 किलोवाट की एडवांस लिथियम आयन बैटरी देने वाली है, जिसमें पावर काफी जबरदस्त मिलेगी। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज करने पर स्कूटर 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। बात करते हैं अपकमिंग टीवीएस क्रियोन में आने वाले फीचर के बारे में। तो कंपनी इसमें जबरदस्त फीचर जोड़ने वाली है, जैसे स्मार्टफोन चार्जर होल्डर, AFDSP, रिजर्वेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आदि। कंपनी आपको एक प्लग चार्जर देगी, जिसके जरिए आप बेहद कम समय में स्कूटर को घर पर ही चार्ज कर सकते हैं। रिपोर्टर की माने तो 1 घंटा 20 मिनट में यह स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगी। इसके साथ आपको हाई डेफिनेशन डिस्प्ले, स्मार्ट फीचर और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे फीचर मिलेंगे। बात करें इसके स्पीड की तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली स्कूटर ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये भारतीय बाजार में साल के लास्ट दिसंबर तक का देखा जा सकता है। और कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 87,500 से स्टार्टिंग रेट इसका हो सकता है, स्टार्टिंग प्राइस इसका अनुमान लगाया जा रहा है। खैर, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस वीडियो में। एक सिनेमैटिक वीडियो के तरीके से आप देखिए और बताइए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको क्या गलत दिखा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या गलती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो हमने आपको बताया था कि क्या गलत दिखा, इस स्कूटर में गलत ये है कि ये सिंगल सीटर है। अगर आप किसी को साथ में बैठा कर ले जाना चाहते हैं तो इसमें यह सुविधा नहीं मिल पाएगी, इसी वजह से ये गलत लग रहा है। बाकी क्वालिटी इसमें सब कुछ एकदम बेटर है।